तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग अर्थ हार्ट सेक्ट के मास्टर को मार देता है और उसके सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर टियान सेक्ट की ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग एक जगह पर अपने सिर पर खड़ा होता है, तभी हैंग टियान उसके पास आते हुए बोलता है, ब्रदर सुयांग, आप यहाँ पर इतनी देर से क्या सोच रहे हो? सुयांग बोलता है, मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को जिंदा करने के बारे में सोच रहा हूँ। जो सुनते ही हैंग टियान बोलता है, पर आपकी डिसाइपल आज से 10,000 साल पहले मरी थी, पर उसकी सोल अभी भी यहाँ पर जिंदा है, तो उसे जिंदा किया जा सकता है, पर यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। खैर छोड़ो, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। अब सुयांग बोलता है, तो तुम यहाँ से अब कहाँ जाने वाले हो? क्योंकि जाओपिंग तो अपनी वाइफ के साथ अपने किंगडम लौट गया, तो अब आगे तुम क्या करने वाले हो? हैंग टियान बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी सुयांग बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे टियान सेक्ट में मेरी मदद कर सकते हो। वैसे भी मेरे सेक्ट में मास्टर की काफी ज्यादा कमी है, तो तुम मेरे डिसाइपल्स को काफी कुछ सिखा सकते हो। दूसरी ओर टियान सेक्ट में उस मेडिसिन विला के पर्सन को भी काम मिल चुका होता है और वह वहाँ के डिसाइपल्स को मेडिसिन टेक्निक सिखा रहा होता है। दूसरी ओर सांगनिंग एक जगह पर मोक्विन का मेकअप कर रही होती है। वहीं पर सेक्ट के बाकी डिसाइपल आपस में फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मैड्स दियाओ और उनका स्पिरिचुअल पेट एक जगह पर सो रहे होते हैं। तभी सेक्ट के अंदर 3 लोगों की एंट्री होती है और अब वह तीनों सेक्ट के अंदर आते ही एक पॉइजन बॉल से सभी लोगों पर अटैक करते हैं, जो देखते ही मेडिसिन विला का वह पर्सन एक फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सभी लोग उस पॉइजन की वजह से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। पर सांगनिंग मोक्विन को लेकर उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है। तभी वह तीनों अंदर आते हुए बोलते हैं, हमें नहीं लगा था कि हमारे अटैक से यहाँ पर कोई भी सर्वाइव कर पाएगा, पर तुम दोनों यहाँ पर बच गए हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे और तुम्हारे सेक्ट के मास्टर को बताएंगे कि उसने हमारी प्रिंसेस के ऑफर को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की है। वहीं पर वह तीनों युआनलिंग रैलम पर होते हैं, जो देखकर सांगनिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं पर खड़ा मेडिसिन विला का वह पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही काफी पावरफुल एलिक्सर बनाए हैं जिनका यूज मैं तुम पर कर सकता हूँ। और अब वह मोक्विन और मोसू को फॉर्मेशन के अंदर रहने के लिए बोलता है। तभी उन तीनों में से एक पर्सन बोलता है, तुम दोनों अभी अभी बस युआनलिंग रैलम पर पहुंचे हो, तो तुम दोनों को क्या सच में लगता है कि तुम हम तीनों का सामना कर सकते हो? और तुम तीनों को देखकर अब मुझे लग रहा है कि प्रिंसेस ने हम तीनों को यहाँ पर भेजकर कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि अगर हम तीनों चाहे तो तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं पर बैठा मैड जियाओ चुपचाप यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी उन तीनों में से लड़की बोलती है, वह यहाँ पर सांगनिंग को संभालेगी और दूसरे पर्सन को उसके दोनों साथी संभाल ले। वैसे भी यह गेम यहाँ पर बस 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही सांगनिंग बोलती है, वह तो अभी पता चल जाएगा, और अब वह उस लड़की पर अटैक करती है। यह देखते ही वह लड़की काफी तेजी से सांगनिंग पर अटैक करती है, पर सांगनिंग अपने फैंटम टेक्निक का यूज करते हुए अपने 3 क्लोन्स बनाकर उस लड़की को चारों ओर से घेर लेती है और अब वह लगातार उस लड़की पर अटैक करने लगती है। पर वह लड़की बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जो देखकर उसकी स्पीड कम करने के लिए सांगनिंग वहां पर उस स्पिरिचुअल पैट को बुलाती है। जो सुनते ही वह स्पिरिचुअल पैट वहां पर काफी तेजी से ब्लास्ट होकर चारों ओर फॉग क्रिएट कर देता है, जिस फॉग में उस लड़की को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। यह देखते ही उस लड़की के दोनों साथी बोलते हैं, तो इन लोगों के पास स्पिरिचुअल पैट भी है, पर इनका स्पिरिचुअल पैट बस इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और कुछ भी नहीं। तभी वहां पर खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है, तुम बस चुपचाप यहां पर तमाशा देखो और इस दूसरे पर्सन को यहाँ पर मैं संभालूंगा। और यह बोलते हुए अब वह मेडिसिन विला के पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके पैरों के नीचे एक एलिक्सर आ जाता है, जो देखते ही वह उस एलिक्सर को देखने लगता है, पर तभी वह एलिक्सर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी ओर सांगनिंग उस लड़की पर लगातार अटैक किए चली जा रही होती है और अब वह उस लड़की को घायल कर देती है, जो देखकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लड़की गुस्से में अपने जजमेंट टेक्निक का यूज करते हुए सांगनिंग की रियल बॉडी को वहां पर ढूंढ लेती है।
वहीं पर हेवेनली विला का पर्सन उस एलिक्सर को ब्लास्ट होते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी एक पर्सन धुएं के बीच से निकलकर बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही हेवेनली विला का पर्सन उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी वह एक शील्ड की मदद से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अपने एक ट्रेजर से अटैक करके हेवेनली विला के पर्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि साओ, क्विंसू और कॉन्ग एक जगह पर आए हुए होते हैं। वहीं पर साओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेंगवू मीटिंग में तुम जैसे कमजोर कल्टीवेटर्स भी आएंगे। यह सुनकर साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अभी यहाँ पर साबित हो जाएगा कि कमजोर कौन है। यह सुनते ही वह पर्सन तैयार हो जाता है और बोलता है, चलो फिर हम अरीना ग्राउंड में चलते हैं और यहाँ पर तुम्हारी हड्डियां तोड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। जो सुनते ही साओ उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी क्विंसू उसे रोकते हुए बोलती है, जल्द ही यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। साओ बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसे हराने में बस मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा जिसके बाद हम चलकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और यह बोलते हुए वह उस पर्सन के पीछे भाग जाता है, जो देखकर कॉन्ग और क्विंसू भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी ओर सेक्ट के अंदर वह पर्सन लगातार मेडिसन विला के उस पर्सन पर अटैक कर रहा होता है, पर मेडिसन विला का पर्सन अपने शील्ड की मदद से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर दूसरा पर्सन भी उस फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर अटैक करता है। वहीं पर वह लड़की लगातार काफी तेजी से अटैक करते हुए सांगनिंग के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह काफी तेजी से सांगनिंग की रियल बॉडी के पास आते हुए उसका गला पकड़कर बोलती है, तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सांगनिंग हंसते हुए बोलती है, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाली हो। और तभी उस लड़की के पीछे से मैड जियाओ आते हुए उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब यह देखते ही दूसरा पर्सन मैड जियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मेडिसन विला का वह पर्सन पहले पर्सन पर अपने कई सारे एलिक्सर से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर वह पर्सन अपने शील्ड की मदद से बच जाता है। और अब वह बोलने लगता है, हमने जितना सोचा था तुम लोग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, तो मुझे जल्द से जल्द प्रिंसेस के पास जाकर इस बारे में उन्हें बताना चाहिए। तभी पीछे से सुयांग आते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे वह पर्सन काफी मुश्किल से बच पाता है और डरते हुए बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो? सुयांग बोलता है, तुम यह जानने के वर्दी नहीं। अब वहां पर सुयांग को देखते ही वह स्पिरिचुअल पैट उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है, जो देखकर वह पर्सन डरते हुए बोलता है, तुम हो टियान सेक्ट के मास्टर। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।